वेलकम टू दोस्तों, आज हम आपको वीडियो में लेकर आए हैं कि कभी कभी हम पेन ड्राइव को बूटेबल बना देते हैं जस्ट लाइक लिनक्स की। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखिए, इस कंप्यूटर पे मैंने 32 GB का पेन ड्राइव लगाया हुआ है, बट माय कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव का ड्राइव नहीं दिखाई दे रहा। पर मैं आपको दिखा दूँ, टेक्निकली वो पेन ड्राइव लगा हुआ है। आप तरीका क्या होता है, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक कीजिए, दिस कंप्यूटर पे, और मैनेज ऑप्शन में जाएं। तो यहाँ पे जितने भी स्टोरेज मीडिया लगे हुए होते हैं वो डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ देखिए, डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पे मेरी हार्ड ड्राइव लगी हुई है SSD 476 GB, और एक रिमूवेबल ड्राइव लगा हुआ है 28 GB का। इसके कुछ पार्टीशन भी दिख रहे हैं, 13 MB, ये एनकोंडा और ये 28 GB अनलोकेटेड। मगर दोस्तों ध्यान से देखिए, मेरे पास सिर्फ मेरा सी पार्टीशन ही दिखाई दे रहा है, मेरी पेन ड्राइव यहाँ दिखाई नहीं दे रही। ये प्रॉब्लम आपको भी आई होगी, रिमूवेबल ड्राइव को अगर लिनक्स में कन्वर्ट कर दें तो वो चलनी बंद हो जाती है। तो दोस्तों, इसको सही करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, माई कंप्यूटर में तो पेन ड्राइव आ नहीं रही, फिजिकली पेन ड्राइव इस लैपटॉप पर लगी हुई है। तो दिखा देता हूँ, ये 32 GB की पेन ड्राइव जो कि लिनक्स पार्टीशन में कन्वर्ट हो गई है, और जो मेरा विंडो 11 है या विंडो 10 है या विंडो 7 है वो इस पेन ड्राइव को रीड नहीं कर रहे। तो इस केस में ये पेन ड्राइव फंक्शनेबल ही नहीं होगी, तो इस पेन ड्राइव के पार्टीशनों को दोबारा रिट्रीव करना होगा। तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर या कोई काफ़ी सारी यूटिलिटी आती है, उसकी जरूरत नहीं है। हम इस 32 GB के पेन, जो 28 GB समथिंग दिख रहा है रिमूव ड्राइव, इसको हम कमांडो के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ईजी तरीका है सर दोस्तों। तो स्टार्ट में जाएं, यहाँ लिखिए डिस्क, यहाँ लिखिए CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए राइट क्लिक कीजिए, देन रन एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखिए, रन एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन करना पड़ेगा, तभी ये कमांडे काम करेगी। अब मैं आपके सामने कुछ कमांडे लगाऊंगा और ये रिमूवेबल ड्राइव फंक्शन में आ जाएगी। तो दोस्तों, कमांड का नाम है डिस्क पार्ट, आपको ये कमांड लगानी है डिस्क पार्ट, देन एंटर। तो आपको कंप्यूटर में CMD मोड से आप हार्ड डिस्क के पार्टीशन लेवल पर आ जाएंगे। परंतु दोस्तों, ये ध्यान से लगाने वाली कमांड है। यहां आपको नेक्स्ट कमांड लगानी है लिस्ट डिस्क। जैसे आप लिस्ट डिस्क लगाएंगे तो जितनी हार्ड ड्राइव स्टोरेज मीडिया इसमें लगे हुए, दो लगे हुए, डिस्क 0 पे क्या है इसका SSD 500 GB का, और डिस्क 1 पे क्या है मेरा रिमूवेबल ड्राइव जिसको मुझे क्लीन करना है, रीसेट करना है। तो अभी मुझे पता लग गया कि मैंने क्या सिलेक्ट करना है, रिमूवेबल ड्राइव डिस्क 1 पे। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मुझे यहां इसको बताना पड़ेगा कि कौन सी डिस्क ये सिलेक्ट करे। सिलेक्ट डिस्क स्पेस वो ड्राइव जो आपको रीसेट करनी है, जिसके पार्टीशन तोड़ के बनाने हैं। तो डिस्क नंबर 1 है मेरे कंप्यूटर पे, ये केयरफुली से इसका ध्यान दे के बनाना है। और लास्ट में आपको करना है एक छोटी सी कमांड है क्लीन। जैसे मैं क्लीन कमांड लगाऊंगा, दे आपके सामने है ये हार्ड डिस्क बिल्कुल अनलोकेटेड हो गई है, यानी कि जो इसमें लैनेज पार्टीशन थे जो रिमूव नहीं हो रहे थे, मैनेजमेंट ऑप्शन से भी, मैनेज डिस्क से भी, वो रिमूव हो चुके हैं। तो अब आपके हार्ड डिस्क यूज के लिए तैयार है। अगर आपको अपग्रेड पार्टीशन करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। यहां लिखिए क्रिएट पार्टीशन, प्राइमरी। आप अगर ऐसा लिखेंगे तो देखिए डी ड्राइव बनकर आपके सामने आ गई है, और इसके बाद इसे फॉर्मेट करना होगा तभी ये यूजेबल होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं फॉर्मेट स्पेस फॉर्मेट सिस्टम इक्वल टू NTFS, क्योंकि जो विंडोज होती है वो NTFS फाइल सिस्टम या FAT फाइल सिस्टम को समझती है। तो ज़रा टेक्निकल टीम में नहीं जाते, वीडियो को लंबा नहीं करते, तो NTFS लिखेंगे तो ये आपके सामने फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगी, और ये 100% होगा और आपका पार्टीशन वर्किंग करना शुरू कर देगा। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो। आप इस तरीके से भी इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, बट इस तरीके से बड़े धीरे 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 होगा। तो इसका आसान सा तरीका है, इसको क्लोज कीजिए, आपका डी ड्राइव तो आपके पास आ गया है। आप विंडो में यहाँ भी दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ भी आपको डी ड्राइव दिखाई दे रहा है, ये USB ड्राइव है, इस पर डबल क्लिक कीजिए और इस यहाँ से भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे फॉर्मेट करेंगे, सफिशिएंट राइट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं दोस्तों, इसका एक आसान तरीका है। वो कमांड से सिर्फ इसको क्लीन करना हमारा मकसद था, आगे का तरीका मैं आपको
विंडो में डिटेक्ट हो गई है, या मैं एज ऑप्शन से भी करके दिखा देता हूँ। आप डिस्क पार्टीशन में गए, ये भी खुलेगा। एक्चुअली मैं वो पार्टीशन बीच में रोक दिया था, तब इसको थोड़ी दिक्कत आ रही डिटेक्ट होने में। एक्चुअली वो क्रिएट पार्टीशन वो इससे ना ही करें तो बेटर है, राइट क्लिक कीजिए, ये डिस्क आ गई है आपके पास, इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से इसको फॉर्मेट कर दीजिए, या फिर ये यहाँ से फॉर्मेट नहीं हो पा रहा है तो इसको एक बार दोबारा डिलीट कर दीजिए पार्टीशन। डिलीट हो गया, यहाँ से भी आप न्यू सिंपली ग्राफिकली भी क्रिएट कर सकते हैं। जब ये लाइनक्स में था तब हमें प्रॉब्लम थी क्रिएट करने में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब 2 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मेट के लिए पूछ रहा है, यहाँ NTFS ले लीजिए, देन आपके पेन ड्राइव वर्किंग के लिए रेडी है। तो अभी ये 2 ही सेकंड में 3 सेकंड में पूरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी और यहाँ पार्टीशन यूज हो, ये देखो ये ड्राइव आ गया विद फॉर्मेटेबल और विद वर्किंग, ये देखिए। तो वेरी सिंपल है उसका। तो आज हमने बड़ी इजी तरीके से अपनी हार्ड डिस्क, अपनी पेन ड्राइव को जो लाइनक्स बूटेबल थी उसको तोड़कर विंडो ऑपरेटिंग बूटेबल बना लिया। तो थैंक यू एंड बाय बाय।